हेलो एवरीवन गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। आगे पीट प्यान की तरह बात करने और चलने की कोशिश करता है तो दादाजी इसे थैंक्स कहते हैं और कहते हैं, तुम पिछले कुछ दिनों से प्यान की तरह बनने की पूरी कोशिश कर रहे हो। पीट कहता है, पर दादाजी मेरी वजह से डिसअपेयर हुए हैं तो मुझे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इसके बाद ये दादी के पास आते हैं ये देखने के लिए कि दादी पीट को पहचान पाती हैं या नहीं। तो दादी जी पीट को नहीं पहचान पाती और इसे देखकर बहुत खुश होती हैं। दूसरी तरफ वान रास्ते में चल रही होती है और यहाँ ये लोग इसे छेड़ने लगते हैं कि तभी यहाँ पर दमगर्ग आता है और वान की हेल्प करता है। ये वान को इसके घर छोड़ता है और वान इसे थैंक्स कहती है तो दमगर्ग कहता है, ये तो मेरा फर्ज था। वान अंदर जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों को दमगर्ग ने ही हायर किया था। यहाँ पिंक प्यान के पास आती है और सिग्नेचर देखकर कहती है, आपके सिग्नेचर तो बिल्कुल पीट के सिग्नेचर की तरह लग रहे हैं, तो अब आप पीट का कर्ज चुकाने के लिए पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। पिंक आंट को कॉल करती है तो इसे पता चलता है कि आंट बीमार है। आगे पिंक प्यान को देखकर कहती है, अगर आप ऐसी पैंट पहनते हो तो मुझे लगता है आपको अपनी शर्ट अनटक कर लेनी चाहिए। तो प्यान कहते हैं, बड़ों के सामने अनटक्ड शर्ट पहनना असभ्य होता है। तो पिंक कहती है, असभ्य होना सेक्सी से तो बेटर ही है। तो ये सोचते हैं ये वर्ड कुछ अच्छा नहीं लग रहा और ये अपनी शर्ट अनटक करते हैं। इसके बाद ये आंट के पास आते हैं और पिंक इन्हें बताती है कि पीट को अपने साइन याद आ गए हैं तो अब हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। आगे पिंक प्यान को उस जगह पर लेकर आती है जो कि रामा 6 और रामा 5 के टाइम पर बनी होती है और अब ये प्लेस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका होता है, जिसे देखकर प्यान बहुत खुश होते हैं और ये रामा 6 के स्टैचू को प्रणाम करते हैं। इसके बाद प्यान की नज़र बोर्ड पर जाती है जहां पर ये लिखा होता है कि 25 नवंबर 1925 में रामा 6 का निधन हुआ था, जिसे पढ़कर इन्हें बहुत बुरा लगता है और ये सोचते हैं कि क्या 5 साल बाद रामा 6 का निधन होने वाला है। और ये पिंक से कहते हैं, मुझे घर वापस जाना होगा क्योंकि मुझे अपनी मजिस्ट्री के लिए बहुत काम करना है। दूसरी तरफ पीट बैंक में प्यान बनकर जाता है और सभी को बहुत अच्छे से ग्रीट करता है तो निकोन कहता है, मुझे लगता है फ्लू ने तुम्हारे दिमाग में गहरा असर किया है। तो पीति प्यान को इशारा करके अपनी सीट पर बैठने के लिए कहता है, पर पीट को समझ नहीं आता कि प्यान की सीट कौन सी है तो ये पीति की सीट पर बैठ जाता है। तो पीति कहता है, क्या तुम मेरे साथ अपनी सीट स्विच करना चाहते हो। पीट पूछता है, मेरा डेस्क कौन सा है। वो फीवर की वजह से मेरे सर में अभी भी दर्द है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। आगे वान के डैड प्यान को अंदर बुलाते हैं और कहते हैं, अब एग्ज़ाम के लिए 1 हफ्ता ही बाकी है और एग्ज़ाम में तुम्हें फाइनेंशियल प्लानिंग पर एस्से लिखना होगा। पीट एस्से का नाम सुनकर शॉक्ड होता है और यहाँ से जाता है और ये सोचते हैं कि प्यान आज इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है। आगे वानी पीति के लिए लंच लेकर आती है और प्यान को देखकर उनके पास जाती है, पर पीट तो वानी को जानता नहीं था तो ये कहता है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो वानी को इस बात का बुरा लगता है कि प्यान तो इसे पहचान भी नहीं रहे। तभी पीति यहाँ आता है और कहता है, वानी प्यान को परेशान मत करो। तो पीट को याद आता है कि परदादा जी ने इसे वानी और पीति के बारे में बताया था। यहाँ वानी पीति से पूछती है, प्यान को मैं याद क्यों नहीं हूँ। तो पीति कहता है, सुबह उसे मैं भी याद नहीं था। तो वानी रोते हुए कहती है, क्या हम उनके लिए इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं कि वो हमें इतनी आसानी से भूल गए। तभी पीट यहाँ भागते हुए आता है और इनसे माफ़ी मांगता है तो वानी भी इसे माफ़ कर देती है। दूसरी तरफ प्यान लिख रहे होते हैं कि जब वो ईयर 2020 में पहुँचे थे तब क्या क्या हुआ था। तो ये पिंक से पूछते हैं कि तुम उस टाइम पर क्या कर रही थी। पिंक कहती है, मैं और चाबिन खाना खाने गए थे। तो प्यान पूछते हैं, क्या सिर्फ तुम दोनों।
पिंक कहती है, हाँ सिर्फ हम दोनों। तो प्यान जेलिस होकर लिखते हैं, ये अपने मेल फ्रेंड के साथ अकेले खाना खाने गई थी। प्यान कुछ सोचने लगते हैं तो उन्हें पासबुक के बारे में याद आता है और ये पिंक से पासबुक के बारे में पूछते हैं। तो पिंक पासबुक लेकर आती है और अब इन्हें समझ आता है कि ये पासबुक ही दोनों दुनिया का गेट है। तो प्यान पासबुक ओपन करते हैं पर कुछ नहीं होता। ये पिंक से पूछते हैं कि जब मैं यहाँ आया था तो पासबुक कहाँ थी। पिंक बताती है कि तब पासबुक जमीन पर गिरी हुई थी। तो इन्हें समझ आता है कि टाइम ट्रैवल करने के लिए दोनों साइड पासबुक का ओपन होना ज़रूरी है। इसके बाद पिंक पासबुक ओपन करने लगती है पर प्यान इसे रोक लेते हैं। प्यान कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम गायब हो जाओ। यहाँ निकोन इनसे कहता है, ऐसा लगता है बीमार होने की वजह से प्यान के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है। तो दमगर के डैड कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, तुम अब उसे एग्जाम में बीट कर सकते हो और तुम पता लगाओ कि एग्जाम का इंचार्ज कौन है और उसे पैसे देकर एग्जाम में आने वाला टॉपिक पूछ लो। आगे पीट दादाजी से कहता है कि बान के डैड ने कहा है कि एग्जाम में फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर इंग्लिश में ऐसे लिखना होगा। तो दादाजी से वान की हेल्प लेने के लिए कहते हैं और कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम प्यान के बिहाफ में वान से नज़दीकियाँ बढ़ाओ क्योंकि प्यान के आने के बाद मैं वान का हाथ उसके लिए मांगने वाला हूँ। तो पीट सैड होता है। आगे पीट छोट से कहता है, मैं स्कॉलरशिप लेकर क्या करूँगा, अगर पर दादाजी वापस नहीं आए तो मुझे अवरोड जाना होगा और क्या होगा अगर मैं अमेरिका में हुआ और पीछे से परदादाजी आ गए तो क्या मुझे एग्जाम में फेल होना होगा। तो छोट इसे ऐसा करने से मना करता है। पीट कहता है, पर दादाजी ये सब कुछ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं और तुम हमेशा ही परदादाजी के लिए काम करते हो, कभी छुट्टी नहीं लेते, क्या तुम्हें ये सब कुछ ठीक लगता है। तो छोट इसे समझाता है कि प्यान ये सब कुछ अपने ग्रैंड पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए कर रहे हैं और मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, मैं बचपन से ही यहीं पला बड़ा हूँ और मेरी सारी खुशियाँ इसी घर से हैं। तो पीट को भी समझ आ जाता है और ये कहता है कि अब मेरी टर्न है कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूँ। दूसरी तरफ ये बैंक से पैसे विड्रॉ करवा लेते हैं और प्यान पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। तो पिंक इनसे कहती हैं कि हमें पैसे छंजला लाड को दे देने चाहिए। तो प्यान कहते हैं, हम उन्हें पैसे इंस्टॉलमेंट में दे देंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरा परपोता इरिस्पॉन्सिबल बने और फिर से कर्जा ले, उसे पता होना चाहिए कि पैसे सेव और इन्वेस्ट कैसे करते हैं। आगे चाबिन यहाँ पर पीट की परदादी की पिक्चर भिजवाता है जो कि पिंक ने ठीक करवाने के लिए दी थी। पिंक पिक्चर को देखने लगती है पर प्यान के आते ही पिक्चर छिपा देती है। दूसरी तरफ पीट वान के घर जाता है और कहता है, मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। वान पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो। पीट कहता है, मैं अब अपने घर वापस जा रहा हूँ। वान पूछती है, तुम वापस कब आओगे। तो पीट कहता है, कभी नहीं, और कहता है, प्यान बहुत अच्छे इंसान है तो तुम उनका ध्यान रखना। वान पूछती है, क्या तुम्हारे घर पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है जिसके लिए तुम वापस जा रहे हो। पीट कहता है, हाँ मेरी फैमिली फ्रेंड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरा इंतजार कर रही हैं। वान पीट का हाथ पकड़कर कहती है, मैं जो कह रही हूँ शायद वो इनअप्रोप्रिएट है पर मुझे तुम चाहिए, प्लीज़ यहीं रहो, यहाँ से मत जाओ। तो पीट भी इमोशनल होकर इसे हग करता है और कहता है, मुझे जाना होगा और प्लीज़ प्यान से शादी करना, वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। पीट घर आता है और रोते हुए अपने आप से कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, तुम अपनी परदादी से प्यार नहीं कर सकते। यहाँ एक डॉक्टर वानी की मोम को चेक करने आया होता है और ये शादी के लिए वानी का हाथ मांगता है। तो वानी कहती है, उसके तो पहले से ही 3 बच्चे हैं और ये शादी करने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ पिंक को आंट की कॉल आती है और ये पीट की परदादी की पिक्चर के बारे में पूछती हैं। तो पिंक जल्दी से पिक्चर ढूंढने लगती है पर जिन बॉक्सेस के बीच में इसने वो पिक्चर रखी थी वो तो इन्होंने फेंक दिए होते हैं।
पिंक इनसे कहती है, क्या आपको खाली बॉक्सेस में एनवल्प का पता नहीं चला? उसमें पीट की परदादी की पिक्चर थी। और ये बात प्यान भी सुन लेते हैं और ये पिक्चर ढूंढने के लिए यहाँ आते हैं। पर पिंक और प्यान को यहाँ पर सिर्फ पिक्चर की फ्रेम मिलती है, क्योंकि पिक्चर तो इन्होंने जला दी होती है, क्योंकि वो इनके किसी भी काम की नहीं होती। पिंक प्यान से कहती है, सारी गलती मेरी है, मुझे कल रात को ही आपको वो पिक्चर दे देनी चाहिए थी। प्यान कहते हैं, तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, तो तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। शायद मैं फ्यूचर में सिर्फ पीट का कर्जा चुकाने के लिए आया था और भगवान भी नहीं चाहते कि मैं ये जानूं कि मेरी वाइफ कौन होगी। दूसरी तरफ यहाँ पर निकोन को एग्जाम का पेपर मिलता है। अगले दिन एग्जाम स्टार्ट होता है और यहाँ पर वेदर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होता है, तो निकोन शॉक्ड होता है, क्योंकि कल जैसे क्वेश्चन पेपर मिला था उसमें क्वेश्चन कुछ और था। और पीट कंफ्यूज होता है और सोचता है, मैं इसका डिटेल में क्या लिखूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। सारंगेयो।